क्या आपके वाइफ आपसे ज्यादा टाइम नहीं लगा के रेडी होने में और आप परेशान होके मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर लग रही है शादी। आप मेरे हस्बैंड को बार बार फोन की धमकियां देते रहते हैं जो आप उनसे ऐसी बात करें। मैं जानती थी आपको फोन से इंस्ट्रक्शन मिली है, पर मैं अपने आंखों के सामने अपने हस्बैंड की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। हमें आपके भाई की शादी करनी है और मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड का ऐसा वैसा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जानती थी आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपको वाइफ की ड्यूटी मैं अपने हस्बैंड की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्या कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग आ रहे हैं? हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और इसका इन्हें दिखावा करने की कोई नहीं। अब आपकी शादी होगी? शादी किससे की बात? मुझे पूछो ना, बताइए ना आपकी शादी होगी कि क्या आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा के रेडी होने में और आप परेशान होकर पार्टी में उससे पहले चले जाते हैं? क्या ये मतलब नहीं है क्या आप उनसे प्यार करें? मुझे भी तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने खुद रणवीर से बोला कि वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि मुझे पता था कि बाप हमारा वेट करें। रणवीर को पता है मुझसे पल्लू बन ही नहीं रहा एंड पार्टी में जाके देखते। या मैं अभी बोलूं या बाद में बोलूं? पूरा करने के बाद क्या अच्छा नहीं था? क्या बोलता ठीक है, डन। आ जाए शन। और बताओ तुम मुझे। और दूसरा ये वाला बाबा को सुनो, तेरा टीशर्ट बहुत खराब लग रहा है, बताओ उसको क्या करना है? इसको नजदीक बुला लो। हाँ रेडी, थोड़ा सा नजदीक बस। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कोर्ट में जज के सामने देनी पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर गोयनका। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सुंदर लग रही है शानी। आप मेरे हस्बैंड को बार बार फोन की धमकी क्या देते रहे? वो कोई क्रिमिनल नहीं है जो आप उनसे ऐसे बात करें। मैं जानती थी आपने कोर्ट से ऑर्डर्स दिए, पर मैं अपने आंखों के सामने उनकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। हमें मेरे भाई की शादी अटेंड करनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की शादी में मेरे हस्बैंड का ऐसा बन। मुझे कुछ नहीं सुनते। मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी करें, लेकिन मैं भी आज वाइफ अपनी ड्यूटी करूँ और मैं अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और क्या हो गया अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग आए? मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते और उन्हें इसका दिखावा करने की कोई जरूरत। आप एक बात बताएं, आपकी शादी हो चुकी है? माँ मुझे सच में जानना है, आपकी शादी हो चुकी है? ओके, तो क्या आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती तैयार होने में और आप इरिटेट हो कि जल्दी से नहीं उनसे पहले पार्टी में चले जाते? एक्शन। ओके, तो क्या आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती तैयार होने में और आप परेशान हो कि उनसे पहले पार्टी में आ जाते? इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपनी वाइफ से प्यार करते? मुझे भी ज़्यादा टाइम लगा था तैयार होने में, इसलिए मैंने खुद रणवीर से कहा कि वो पहले फंक्शन में आ जाए। मुझे भी लेट हो रहा था तैयार होने में, तो मैंने खुद रणवीर से कहा कि वो पहले फंक्शन में आ जाए, क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि बाप हमारा वेट कर रही हो। फिर क्या भूल गए? थोड़ा सा मैडम को आगे ले लेना। मुझे भी टाइम लगा था तैयार होने, इसलिए मैंने खुद रणवीर से कहा कि वो मुझसे पहले फंक्शन में चले, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि बाप हमारा वेट कर रही है। रणवीर तुम्हें पता मुझे वो पल्लू बांधना ही नहीं गया। इसलिए मैंने खुद रणवीर से कहा कि वो मुझसे पहले फंक्शन में अटेंड कर, क्योंकि हम दोनों को पता था कि बाप हमारा वेट। मुझे भी टाइम लगना था तैयार होने, इसलिए मैंने खुद रणवीर से कहा कि वो मुझसे पहले फंक्शन में चले जाए, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि बाप हमारा वेट कर रहे।
नन्ही तुम्हें पता है ये पल्लू मुझसे बन ही नहीं रहा था। एंड में पार्क में जाके मेरी हेल्प की और बाप मैं जरा सा लेट क्या हो गया अपने आप आपकी दवा का दिखा के नहीं आपने आपका दवा ये क्या मतलब गधा है रेडी एक जन और चाहिए उधर हाँ यहाँ एक जन चाहिए अरे उधर उन दोनों को सही था हाँ दोनों लोग वैसे रहो एक पीछे एंड में भेजो पोजीशन चेंज से लेते हैं।